मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप सर। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है फॉर्मेशन ऑफ फिशुला इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 70-80% ह्यूमन बॉडी में जो फिशुला बनता है उसका कारण होता है एनल ग्लैंड्स का इन्फेक्शन। तो आज का हमारा यही विषय है कि एनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, कैसे ये इन्फेक्ट होती हैं, इनका क्या फंक्शन है और उसकी वजह से फिशुला का ट्रैक कैसे हमारी बॉडी में बनता है। वैसे तो फिशुला के और भी बहुत सारे कारण होते हैं बनने में हमारे बॉडी में, जैसा कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्रोन्स डिजीज होती है या ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, या जो इश्योएनल या इश्योरेक्टल फोसा में स्पेसेस होते हैं या पेरिएनल रीजन में जो स्पेस होते हैं उनके इन्फेक्ट होने से भी फिशुला का फॉर्मेशन होता है। तो आज का हमारा विषय यही है कि एनल ग्लैंड्स कैसे इन्फेक्ट होती हैं और कैसे फिशुला हमारी बॉडी में बनता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, ये पूरा एनोरेक्टल रीजन है, ये एनल कैनाल है जिसकी लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। उसके ऊपर होता है रेक्टम और यहाँ पे जो मसल्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लिवेटर एनाई मसल्स कहते हैं, और ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है। स्फिंक्टर की वजह से हम अपने मल को होल्ड करने में, मतलब हमें ये हेल्प करते हैं हम अपने मल को होल्ड कर पाए। इन दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं, इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं। और यहाँ पे एनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना सिक्रीशन यानी म्यूकस का सिक्रीशन एनल क्रिप्स के थ्रू, यहाँ पे जो एनल वॉल्व होती हैं इसके पीछे साइनस होते हैं उसमें अपना सिक्रीट करती हैं। डियर फ्रेंड्स, अब एनल ग्लैंड्स जो होती है इन्फेक्ट कैसे होती हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से, या हो सकता है कि कोई जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो उसकी वजह से, या हो सकता है कि ट्रॉमा की वजह से ये जो होती है एनल ग्लैंड्स होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं। तो इसके इन्फेक्शन को हम क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन बोलते हैं। अब चूंकि क्रिप्टोग्लैंडुलर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पूरा एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अब यहाँ पे म्यूकस के स्थान पे यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे एनल ग्लैंड्स में पस जो है वो कलेक्ट हो गया, क्योंकि पस जब हमारे बॉडी में कलेक्ट होता है तो वो और भी पस वहां पे फॉर्मेशन करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा एरिया जो होता है और इन्फ्लेम्ड होता है और इन्फेक्ट होता है, धीरे धीरे पस यहाँ बनने लगता है, और ड्यू टू ग्रेविटी ये पस जो होता है धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगता है, और यहाँ पे जो स्किन होती है इसके जस्ट पीछे यहाँ पे पूरा पस आके कलेक्ट हो जाता है। अब क्या है कि इसके बाद ये जो स्किन होती है यहाँ से वो टियर ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पे एक पूरा ट्रैक बन जाता है। अब यहाँ से पूरा पस का जो यहाँ पे कलेक्शन था वो पूरी हमारी बॉडी से बाहर ड्रेन हो लगता है। तो आप देख रहे हैं कि जो फिशुला का ट्रैक है वो यहाँ एनलवर्स से कुछ दूरी पे, ये पे जो स्किन है यहाँ पे इसकी एक ओपनिंग है और यहाँ पे डेंटेट लाइन पे इसकी एक ओपनिंग है, तो ये पूरा एक ट्रैक बन गया। अब हम इसे फिशुला बोलते हैं। फिशुला क्या होता है, फिशुला इट इज अ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस। फिशुला की जो डिफिनेशन होती है कि दो एपिथेलियल सरफेस के बीच में एक एबनॉर्मल ट्रैक होता है, और चूंकि ये जो ट्रैक होता है इसकी लाइनिंग पे अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं। अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से क्या होता है कि फिशुला हील नहीं होने पाता है। तो अगर हम सोचें कि इसको हम दवा से सही कर लें, कोई भी खाने वाली औषधि से सही कर लें, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस ट्रैक पे अनहेल्दी टिश्यू पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये हील नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि फिशुला, चूंकि हमने देखा है कि फिशुला ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार के फिशुला ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड होते हैं। तो अगर फिशुला का ट्रैक यहाँ डेंटेट लाइन से होते हुए इंटर इंस्फिंक्टर की स्पेस से होते हुए पेरिनल स्किन पे जाके ओपन होता है तो ये ग्रेड 1 का फिशुला है। अब यही फिशुला ग्रेड 2 में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कि आप यहां देख रहे थे कि इसका जो ट्रैक था, जो फिशुला का ट्रैक था वो ऐसे था, ये ग्रेड 1 का फिशुला है। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग और भी ट्रैक बनना शुरू हो जाए, जैसे ये इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रैक्स, या यहाँ पे कोई और, चूंकि यहाँ पे और बहुत सारी एनल ग्लैंड्स होती हैं, ये भी इन्फेक्ट हो जाए और यहाँ पे पूरा एरिया जो है
एक और एब्सस बन जाए, यहाँ पे एब्सस बन गया तो ये ग्रेड टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेड वन का फिशुला ग्रेड टू में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि वहां पे या तो सेकेंडरी ट्रैक बन जाते हैं या तो यहाँ पे कोई कैविटी हो गई, वहां पे एब्सस का फॉर्मेशन हो गया। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे कि एनल ग्लैंड्स के इंफेक्शन की वजह से ग्रेड वन फिशुला कैसे बना और ग्रेड टू का फिशुला कैसे बना। डियर फ्रेंड्स, अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में डियर फ्रेंड्स, इसकी कोई भी ओरल औषधि नहीं आती है जो फिशुला को हम खा के इसको सही कर ले, क्योंकि आपने जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे अनहेल्दी टिश्यू का इसकी इनर लाइनिंग पे जो होती है इनर लाइनिंग पे अनहेल्दी टिश्यूज होते हैं। अब इसमें जो फिशुला का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है वो है सर्जिकल प्रोसेस। उसमें भी सर्जिकल में जो छारसूत सर्जरी होती है, जो एक तरह से पैरा सर्जिकल उसमें आती है, तो छारसूत्र फिशुला को ठीक करने की सबसे बेस्ट विधि होती है। क्योंकि छारसूत्र क्या होता है, एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसमें स्नोही शीर, अपामार्ग एवं हल्दी की कोटिंग होती है और इसका पीएच लगभग 10 रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने जैसा देखा यहाँ पे अनहेल्दी टिश्यूज है, यहाँ पे पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं, तो जो छारसूत्र में स्नोही शीर, अपामार्ग और हल्दी की कोटिंग होती है, ये एक तरह से मेडिसिन की तरह काम करती हैं, जिसका काम होता है कटिंग करना और वहाँ से जो अनहेल्दी टिश्यूज हैं उसको वहाँ से वॉश आउट करना और पैथोजेनिक एजेंट्स को ग्रो नहीं करने देना। इसीलिए छारसूत्र सबसे बेस्ट होता है। इसमें एज कंपेरिजन टू अदर सर्जरी इसमें पेन कम होता है, दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम रेयर होती है। और छारसूत्र में जो हमारा रूटीन जॉब होता है, जैसे हमने छारसूत्र आज लाइगेट कराया, कल से हम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बस छारसूत्र थेरेपी में एक हम कह सकते हैं कि इसके अनबेनिफिट्स एक ही है कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम टेकिंग की वजह से इसमें दोबारा होने की संभावना भी कम होती है। अगर अदर प्रोसेस में हम जाते हैं तो उसमें एक दो हफ्ते में यहाँ से इसको कट करके, जैसे फिशुलोटॉमी या फिशुलेक्टॉमी हुई, वहाँ से कट करके पूरा एरिया साफ कर दिया गया और वहाँ पे हीलिंग एक दो हफ्ते में हीलिंग लगभग हो जाती है, लेकिन दोबारा होने की संभावना इसलिए अदर सर्जरी में ज़्यादा है क्योंकि एक बार में हमने कट कर दिया, वहाँ पे हम सुचरिंग नहीं कर सकते, उसको ड्रेसिंग कराते हैं, धीरे धीरे वो हील हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा भी पार्ट इसका छूट गया तो वहाँ पे दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि छारसूत्र में क्या होता है, हर हफ्ते चूंकि वहाँ पे छारसूत्र चेंज किया जाता है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो भी चेंजेस वहाँ पे होते हैं उसको भी सही कर लिया जाता है।